What's up guys, welcome back Rest Funny Vlogs, आपका स्वागत है हमारे व्लॉगिंग चैनल में। आज का टॉपिक है, आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, अलसी की पिनिया बना रहे हैं हम। ठीक है, पंजाबी हिंदी व्लॉग मिक्स रहेगा तो आप मैनेज कर लेना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें। आज इस वीडियो में हमारा साथ दे रही है हमारी माता जी। ये देखो माता, हेलो बोलो। ठीक है जी, माता जी बनाएंगी और रजनी बीच में थोड़ा बीच में आएगी, वो भी देख लोगे। तो रजनी बीजी है तो रजनी भी बनाएगी, तो आप देखिए हम कैसे अलसी की पिनिया बना रहे हैं। जो लोग नए हैं वो हमारी पुरानी वीडियो जाके देखें, हम ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं तो इन्जॉय करें उसको। और हाँ, एक जरूरी बात है, जो पिनी है ना पंजाब हरियाणा की, सुबह में कुछ एरिया में सर्दी में काफ़ी बनाई जाती है। जो पिनी हम बना रहे हैं वो पंजाबी स्टाइल है, पंजाब का, बड़ा ही ईजी है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स, मतलब बहुत ही कम आइटम्स को मिलाकर बना ली जाती है। कोई छड़ा मलंग होगा वही बना सकता है बड़े आराम से, कोई इतने में मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप देखें, एंजॉय करें। तो अलसी नू कढ़ाई च पा लिए, किन्नी अलसी है माता? अलसी नू असी हुण लगे भुनन, है ना, रोस्टेड करन। सारी नहीं करनी अलसी रोस्टेड, इन्हें फिर कट लेनी बाद चो। अच्छा, आज को सारी माता पहली बार लोग एंकरिंग करेगी। अच्छा, हाय 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 कर लो। ये क्या है, उंगलियां ने कितना दिया है? हाय इदा होंगे, हाय इदा। चलो एक मिनट, अलसी नू तद तक रोस्ट करना है जब तक अलसी छलांग ना मारन लग जाए। हम छलांगा मारी, देखो जी पटाके की आवाज आ रही है थानू, आ देखो ध्यान, देखो दिख रही ना, है ना। आ देखो आ जो पटाके है ना, पटाके का मतलब अलसी रोस्ट होनी शुरू हो गई है, बिच आ गई है। अपनी क्या कह रही, तू क्या कह रही बता, ये क्या है? देखो जी दिवाली द्वारा बनने लगती है, कि पटाखे पै रहे हैं ऐसा। आ आ आ आ आ आ देखो जी, साड़ी हुन जो अलसी है एक किलो क्वांटिटी थी, 1 kg क्वांटिटी को हमने रोस्ट कर लिया है। मैं ये व्लॉग हिंदी और पंजाबी में बना रहा हूँ, हिंदी पंजाबी मिक्स होएगी तो आप मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि बीच में पंजाबी निकल जाती है। देखो जी, किलो का आटा, कनक का आटा, अनाज का आटा होता है, जो गेहूं का अनाज, गेहूं एक ही बात होगी, जो गेहूं का आटा है वो किलो आटा, यानी किलो अलसी लेनी है, किलो आटा लेना है, सेम क्वांटिटी रखनी है। तो ये किलो अलसी की हम बना रहे पीनी है, तो ये कम से कम 2.5 किलो की बन जाएगी ना पिनिया। 250 ग्राम लेना है बादाम, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू, किशमिश 250 ग्राम है ना, पाइया पाइया पाइया, मतलब ये टोटल जो पिनिया बनेगी 2.5 किलो दस बनेंगे ना। हाँ, चार किलो पिन बनेगी। अच्छा, किलो गुड़, अच्छा असं गुड़ की बना रहे हूँ। असी जी हलवाई वाली कढ़ाई चढ़ा ली है, जो हलवाई कढ़ाई यूज करते हैं ना बड़ी वाली, वो हमने चढ़ा ली है। देखो जी कितनी बड़ी कढ़ाई है, ये देखो वो छोटी कढ़ाई हमने मांगी थी, उसमें हम करेंगे गुड़ को सेट, गुड़ को मेल्ट, है ना। अब देखो जी, आप किलो गुड़ है, 1 किलो गुड़ है, इंग्लिश में कहते हैं जरगरी, लाइक क्या, ये आटा हमने 1 किलो लिया था, 1 किलो हमने अलसी भून ली है, और ये सामग्री है पाइया काजू, पाइया बादाम, पाइया के आसपास किशमिश, पाइया से थोड़ी कम है वैसे, और ये किलो घी। ये मम्मी ने गुड़ को मेल्ट करने के लिए डाल दिए पानी। हाँ जी, क्या कह रहे थे मम्मी, दसो ना। आटा जो भुनना ना सी, स्लो फ्लेम से भुनना। लो फ्लेम से, स्लो फ्लेम से, लो फ्लेम से। अच्छा हाँ जी, आटा जो भुनना है लो फ्लेम से भुनना है। ओके, और सुखा क्यों भुन रहे हैं आटा? सुखा ता भुन रहे हैं कि जब असि केज भुनागे ना इनू, तब जल्दी हो जाएगा काम। अच्छा, जल्दी क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी रच जाएगा जी? जल्दी च के रच जाएगा। ठीक है जी, ओके ओके। देखो जी, साइड बाय साइड असं गुड़ में पानी पा के उन्हें मेल्ट करने रखता है। गुड़ के फायदा होता है पीनिया चिपकी रहने में, वधिया बनती है ना। आटा ब्राउन करने का, हाँ आटा करना ब्राउन करना, रोस्ट करके बिल्कुल ब्राउन कर देना आटे में। यह सामग्री थोड़ी दिखाई देती है, कुछ ज़्यादा समान नहीं पैंता वैसे, मैं देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 आइटम बन जाता है। हाँ, अलसी गर्म होंगी है, साड़ी माता कहती है इसलिए आटा पाना पैंता है, कि लोग अलसी की ही रगड़ दे तो काम खराब हो जाए ना। हाँ, कहीं बवासीर वगैरह कहीं दिक्कत होंगी गर्मी में।
छड़े मलंग लोग रहते बाहर मतलब घर तो बहर वह भी बना सकते पर डे सवेरे दुध न एक पिनी भी खाइए एक पिनी खाइए तो साढ़ा एक डाइट पूरी हो जाती है ना हैवी होंगी है। देखो जी असं हूँ अलसी ना रोस्टिड अलसी में पा के मिक्स आटा बना रहे इदा बिल्कुल इदा पाउडर कर लेना पाउडर फॉर्म में देख रहे हो आप देखो और आटा देखो जी ब्राउन हो गया लगभग 15-20 मिनट लग गया आटा ब्राउन कर नहीं 15 मिनट लगे देखो जी आटा ब्राउन हो गया जी 5-10 मिनट के आटा ब्राउन हो जाता है इधर चाशनी भी उबाले खा रही है तो साइड बाय साइड है एक तार दी एक तारा बोले चाशनी बस एक इधर जुड़नी चाहिए हम इधर चेक करावे कि जुड़ रही है ठीक है जी साइड बाय मैं ही लगे जी इन रोस्ट कर ठीक है जी इदा पाउडर हो जाता है जो असी मिक्सी ना गेड़े देंगे देखो जी अलसी नूं असी पाउडर कर लिया मिक्सी विच ते थोड़ा जिहा प्लान चेंज हुआ जी थोड़े मम्मी कहिंदे थोड़े मखाने भी पा लैंदे आ असी घे पा लिया देसी घे वी थोड़ा जिहा पाया ना थोड़ा देसी घे पा के असी उस च मखाने फ्राई कर लैंदे आ ते थोड़ा स्वाद लगदे आ मखाने भी अच्छे लगदे आ ते चासनी साडी हो गई है मम्मी चासनी दिखाना इक तारा बोले इक तार वाली सच देखो चासनी दिखा दी देखो जी देखो लड्डू असी खांदे पत्थर हो जांदे सॉफ्ट रहेगी सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी बादाम भी क्रश कर लिया मिक्सी च काजू की बारी है मम्मी कुछ दसना चाहिए दसो मम्मी क्या करे मखाने भी क्रश करने काजू करा गे मखाने ज्यादा मैं गेड़ा देता ते हुन आटे विच असी पा रहे हैं अलसी जिहड़ी पाउडर बनाई दी हुन मम्मी नूं हेल्पिंग हैंड लई रजनी बनाना पै गया देखो रजनी आ गई है मूंह क्यों घुमा रही है अच्छा चश्मा लाया वो ते बुढ़ी तो ड्रट आ गई है ते अब अलसी पाती है किलो किलो आटा हो गया हुन भुज्जो होया उहनूं लगी असी हुन रलान ते विच असी हुन जो काजू जो बादाम जिहड़े पाउडर बनाए सी पीबी से वह भी पाता है ते नाल पा रहे हैं असी मखाने घोल मखाने में ज्यादा घुमाते थोड़े कोई गल नहीं थोड़ा खचुमर हो गया कुछ ज्यादा ही खचुमर हो गया हां के पाया से ना के दे वजह नाल वो एकदम एक जिंद एक जान वर्गे हो गया एक जिंद एक जान हां चाशनी ने फिर ऐसे गरम किया थोड़ा एक तारा और बुलवा रहे दा आ देखो जे रलाता चंगी तरह मटेरियल एन ऊपर थले थले ऊपर हलवाई वांगू आ थोड़ी हलवाई है देखो एन हलवाई वांगू लग रही है हां हां बोलो बोलो हेलो हेलो फाइनल टच इन्हें देना जी थोड़ा पंजाब का टच आ जाएगा कि मतलब जिने पिट्ठा उनके चित्ता जिने शाने वाले जाने हां किशमिश पा दम पा दो हुन किशमिश रह गए जी आ देखो वो भी रलाते किशमिश डायरेक्ट पा दो कोई दिक्कत नहीं पाया 150 ग्राम थोड़े बचा लिया सी किशमिश अजे क्योंकि गजरेला भी बनाना है अजे तो वो भी दिखावांगे थानू ते पासे पा दो है ना कैमरामैन ठीक है ते हुन चाशनी पान दा वक्त आ चुकिया है हुन चाशनी पानी बड़े आराम नाल केयरफुली पानी में दी गर्म चीज है सारी ये ले एक्सपीरियंस दी बहुत लोड है आ देखो पै गई चाशनी आया है ओ पै गई थोड़ी थोड़ी पा के बिच घोल ले बहुत थोड़ी जा रहा है मीठा जा रहा है ना नहीं रह रही थोड़ी चाशनी से बचा ली है ज्यादा ना हो जाए कि किलो तो वध लग रही थानू कि किलो गुड़ तो वध हो गई थी ते हुन असी च पा ली नहीं पहले किलो ज्यादा हो सकता ना थोड़ा अच्छा गुड़ ज्यादा सी ना मैं कहा गुड़ ज्यादा हो गया ना किलो तो साडे आईडिया गुड़ ज्यादा सी किलो तो देखो रजनी लगी टेस्ट 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 करन ओ वेरी गुड हलवाई आऊंगा हलवाई देखो जी शक्लो थगी बांध दुख लग गई आ डोलियां दा कम है सारा डोलियां दा ओ कुछ नहीं करन दो नो तुसी घंटा तुसी लगे होने करेगी आ देखो जी लड्डू बटन दा टाइम आ गया मतलब पीनियां दा
ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਵਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਕਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਜਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਰਜਨੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੱਥ ਹੱਥ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਨੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਨੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਅਭੀ, ਇਧਰ ਜਾ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਹੈ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਖਾ ਲੈ ਬੇਟੇ। ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਬੇਟੇ ਅਭੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਮੀ ਹੱਥ ਡਾਇਓ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਟੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਆਹ ਰਜਨੀ ਵਟੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਲਾਸਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੰਬਲੇਨ ਲਈ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਮੇ ਰਜਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖੇ ਔਰ ਬਣਾਏ ਕਰੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸਰਦੀਓ ਮੇਂ ਯਹੀ ਮਜ਼ਾ।